अन्यों खासे हो आर्मी आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि BTS में ऐसे कौन से दो मेंबर्स हैं जो हमेशा सबको हंसाते रहते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें करते रहते हैं? आर्मी, आई एम श्योर कि आपके दिमाग में सबसे पहले BTS जिन का नाम आया होगा और उसके बाद नाम आया होगा BTS V का। तो दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि BTS V और जिन ऐसे मेंबर्स हैं जो हमेशा सबको हंसाते रहते हैं। दोस्तों, ये दो ऐसे मेंबर्स हैं जो हर सिचुएशन में चिल्ड रहते हैं और बहुत सारी फनी एक्टिविटीज़ करके आर्मी को हंसाते रहते हैं और बेहद ही क्यूट हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एक बार इन दोनों मेंबर्स की आपस में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हो गई थी और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं हुआ था। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारी अमेजिंग वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा लीजिए और अपनी इंडियन आर्मी को और बड़ा कर लीजिए। दोस्तों, BTS के सभी मेंबर्स बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं और इसीलिए सबके बीच बहुत ही गहरा कनेक्शन है। दोस्तों, वो एक दूसरे की फिक्र करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात तो सच है ना कि जहाँ प्यार होती है वहीं तकरार भी होती है। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ हमारे मेंबर्स वी और जिन के बीच में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं BTS के विंग्स टूर 2017 की। दोस्तों, ये लड़ाई उसी दौरान हुई थी। हालांकि दोस्तों, सबसे शॉकिंग तो ये था कि ये लड़ाई BTS के परफॉर्मेंस से जस्ट 10 मिनट्स पहले ही हुई थी। हालांकि दोस्तों, इसके बाद भी आर्मी को पता नहीं चला कि BTS के मेंबर्स में इतनी बड़ी नोकझोंक हो चुकी है। तो दोस्तों, शो से 10 मिनट पहले ही जब सभी मेंबर्स आपस में बातें कर रहे थे तो वो अपनी डांस की पोजीशंस को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, जहां पर RM ने बताया कि एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पर उनके और जंगकुक के बीच एक बहुत बड़ी खाली जगह रह जाती है। दोस्तों, इसको देखते हुए वी ने एक सजेशन दिया और उन्होंने जिनको बोला कि उन्हें जल्दी से थोड़ा मूव करना चाहिए ताकि वो इस खाली जगह को भर सके। हालांकि दोस्तों, जिन ने इस बात को मानने से मना कर दिया। दोस्तों, जिनका कहना था कि वो ऑलरेडी अपना बेस्ट दे रहे हैं और उन्हें नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी कि जिनको जल्दी से जाकर उस स्पेस को भरना पड़े। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, जिन अपनी बात पर अड़े रहे और दोस्तों, उन्होंने ये भी बोला कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों, वी ने उनसे कहा कि ये बस वी का सजेशन था। लेकिन दोस्तों, जिनको ऐसा लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं वही बेस्ट है और अगर वो लास्ट एंड पे कुछ भी चेंज करेंगे तो ये परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ वी ने उनसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी कि वो थोड़ा जल्दी भागकर उस स्पेस को कवर कर लें, लेकिन दोस्तों, जिन ने मानने से मना कर दिया। हालांकि दोस्तों, अचानक से आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अचानक से तेज आवाज़ में वी ने इतनी सी बात बोली कि जिन हमेशा तो बहुत फास्ट रहते हैं लेकिन वो आज ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये बोलते ही वी को गुस्से में अचानक से रोना आ गया। हालांकि दोस्तों, जैसे ही वी रोने लगे, जिन ने अपनी गलती रियलाइज कर ली और उनसे माफ़ी मांगी और उनसे प्रॉमिस किया कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो उस पोजीशन को कवर कर लें। हालांकि दोस्तों, वी इस आर्ग्यूमेंट से इतने ज़्यादा इफेक्ट हो गए थे कि कॉन्सर्ट से पहले RM को जाकर वी को हक करना पड़ा क्योंकि वो रोए जा रहे थे। दोस्तों, इसके साथ साथ जिमिन ने भी जाकर जिन से बात करी और उन्हें थोड़ा शांत कर लिया। हालांकि दोस्तों, जब वी थोड़े शांत हो गए तो उन्होंने भी जाकर जिन से माफ़ी मांगी और उनसे सॉरी बोला कि वो थोड़े मीन हो रहे थे और उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो किस तरह से जिन से बात करने लग गए थे। और दोस्तों, एंड में दोनों ही मेंबर्स ने अपनी लड़ाई को सुलझा लिया। तो आर्मी, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इसमें दोनों की ही कोई गलती नहीं थी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ, अगर अभी तक आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।